हम जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी हमारी कंडीशन है, करोड़ों लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके लिए वो एक सपना है। मैं आपकी बात कर रहा हूं, अपनी नहीं कर रहा। आपकी सिचुएशन में आज आप जहां भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सपना देखते हैं आपकी ऐसी जिंदगी जीने का, और आप वो जिंदगी जी रहे हो, उनकी ड्रीम लाइफ आप जी रहे हो। सोच करके देखो, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। गांव में जाओ, इंडिया की अलग अलग जगहों पे जाओ, देखो लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। एक बार देखो लोग कैसी कैसी लाइफ कहां कहां जी रहे हैं, कैसे कैसे लोग कहां कहां मर रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, गंदे वेस्ट में से निकल निकल के जो चीजें फेंक दी जाती है वहां से निकल निकल के कूड़ेदान में से लोग खाना खा रहे हैं। अरे वो भी तो इंसान ही है हमारे जैसे यार, कौन है वो? वो कभी नहीं सोचेंगे कि मेरे को संदीप महेश्वरी बनना है। बट अगर वो कभी आपकी ऐसी जिंदगी उनको मिल जाए, लॉटरी लग गई ना उनकी जिंदगी बन गई ना उनकी। सोच के देखो, तो आप फेलियर कहां है यार, आप तो सक्सेसफुल हो। कोई इंसान अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है ना, या कुछ बनना चाहता है, तो उसको जा करके ये बोलना कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ना, उसकी उम्मीद को तोड़ना एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास में सिर्फ एक उम्मीद होती है और कुछ भी नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी को इतना हक देना कि वो आ करके आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको कुछ भी बोलता रहे, आपकी उम्मीद को तोड़ दे, आपकी हिम्मत को तोड़ दे, और आप चुपचाप खड़े खड़े उसको देखते रहो, कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना करो, ये उससे भी बड़ा पाप है। याद करो जब हम छोटे थे, मतलब के बचपन के टाइम में, अगर हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते थे या कोई चीज अच्छी हो जाती थी हमारी लाइफ में, छोटी से छोटी। पहले मैं आपको एक बड़ी चीज का एग्जांपल देता हूँ, फिर छोटी सी चीज का। कि सपोज हम कोई फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, कोई है यहाँ पे जो फुटबॉल खेलता था बचपन में? जैसे आप खेलते थे फुटबॉल, तो आप फुटबॉल खेल रहे हो और सामने चार प्लेयर्स खड़े हैं और उधर गोलकीपर भी है, आप किसी तरीके से सबसे बचते हुए यहाँ से वहां से वहां से निकल के और आपने गोल कर दिया, तो आप क्या करते थे उसके बाद? खुश हो जाते थे, खुल के सेलिब्रेट करते थे? ऐसे तो नहीं ना, यार ये गोल तो हो गया, अगला पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे तो नहीं करते थे? अरे मारा और उसके बाद में झूमते हुए आ रहे हैं, यस मजा आ गया, अपनी पूरी टीम से गले मिल रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं खुल करके। ये तो हो गया बड़ी सी बड़ी चीज। छोटी से छोटी चीज कि घर में आप बैठे हो अपने दोस्तों के साथ में खेल रहे हो और आपके एक दोस्त की निक्कर उतर गई, 5 मिनट तक हंसते रहते थे, बड़ों को समझ नहीं आती थी ये बातें, वो आगरा ही कहते थे क्या पागल है क्या, क्या कर रहा है, और हम हंसे जा रहे हैं उसकी निक्कर उतर गई, निक्कर अगर किसी तरीके से यहां पर बैठे हुए हम जितने भी लोग हैं, इमेजिन करो एक बार कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके अंदर से डर निकल जाए फेलियर का, डर निकल जाए कामयाब ना होने का, तो कोई रोक सकता है आपको कामयाब होने से? सोच के देखो, एक क्रिकेटर है, उसके अंदर से डर निकल जाए आउट होने का, उसको कोई आउट कर सकता है? एक डांसर है, उसके अंदर से डर निकल जाए हारने का, उसको कोई हरा सकता है? कौन हो सकता है? सिर्फ एक बच्चा, और वो बच्चा हम सबके अंदर रहता है। करना है तो क्या करना है? अपने उस डर से परे निकलना है, उस डर की दीवार के परे निकलना है, उसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, तोड़ोगे किसको? जब दीवार है ही नहीं तो उसको तोड़ोगे कैसे? जो चीज है उसको तोड़ोगे ना? डर नाम की कोई चीज है ही नहीं, एक इमेजिनेशन है जो चारों तरफ से खड़ी हुई है। वो खड़ी क्यों हुई है? अब आते हैं उसके रूट कॉज पे, वो आई कहां से? अगर एक वर्ड में मैं बताऊं, एक वर्ड में इसको ध्यान से सुनना, है कंपैरिजन। जब भी हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं, या हमारी आज की जो सिचुएशन है उसको किसी और सिचुएशन से कंपेयर करते हैं, या अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करते हैं, ये 3 वजह हैं, इसके अलावा कोई चौथी वजह नहीं। अगर इन 3 वजहों को हम समझ जाएं और इसको समझ करके अगर हम इसके परे निकल जाएं, तो डर नाम की चीज खत्म, फिर हमें कोई नहीं। मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती थी, वो कहानी मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि मैं रोज सुनता था और रोज रोता था। दादी कहती थी अब मैं नहीं सुनाऊंगी, तू रोता है? मैं नहीं नहीं सुनाऊंगी, बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी।
कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो बहुत खुश रहता था अपने परिवार के साथ, यहाँ पे वहाँ पे बहुत अच्छा मजे में। उसके बाद में एक ऐसी स्टेज आई जब उसकी लाइफ में जब उसके अंदर लालच आ गया और उस लालच की वजह से उसने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, पूरी दुनिया के साथ, सिर्फ अपने फायदे का सोचने लग गया और धीरे 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 सबसे अलग हो गया, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों से भी लड़ाई झगड़ा करने लग गया। तो जब उसकी लाइफ के कुछ आखिरी सेकेंड्स बचे हुए थे ना, जब वो जाने वाला था इस दुनिया से, तो उसकी आंख से आंसू निकले जा रहे थे, वो रोए जा रहा था। और आखिरी वर्ड जो उसके मुंह से बाहर आए वो थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो चला गया इस दुनिया से ये बोलकर। जब मैं वो कहानी सुनता था अपनी दादी की तो मेरे अंदर कुछ होता था, मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि भाई जब मेरे वो लास्ट मोमेंट होगा लाइफ का तो मैं क्या बोलूँगा अपने सब लोगों को। उस टाइम मुझे नहीं समझ आया, आज समझ आता है। जब मेरी लाइफ के वो आखिरी सेकंड्स होंगे ना, आंसू निकल रहे होंगे, रो रहा होंगे, लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे, और रोते रोते मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, बस हंस रहा हूँ और मन में ये चल रहा होगा यार मज़ा आ गया, क्या जिंदगी थी।